इन्वेस्टर मीट नहीं है ये, मुख्यमंत्री जी ने जो डिपार्टमेंट्स के रिव्यू लिए तो उन्होंने पाया है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो स्टॉल्ड हैं, जिसमें से इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के हैं, टूरिज्म के हैं, पावर के हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया कि जो प्रोजेक्ट्स 100 करोड़ से ज़्यादा के हैं उनका जो है वो रिव्यू लेंगे। तो कल जो है वो हमने उसको जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बुलाया है, जिसमें से कि कोई 46 प्रोजेक्ट्स इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के हैं, 20 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पावर डिपार्टमेंट के, और 14 प्रोजेक्ट जो है वो टूरिज्म डिपार्टमेंट के जो है पड़े हुए हैं। या तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं हुए हैं या मतलब बहुत धीमी गति से चल रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने कोशिश की है, और ये इनकी टोटल कॉस्ट इज राउंड अबाउट 31,000 करोड़ रुपए के ये प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के भी हैं, पावर के प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो हमारी ये कोशिश है मुख्यमंत्री जी की कि भाई वो कहाँ कहाँ स्टॉल हो रहे हैं, NOCs कहाँ नहीं मिले, किस उस पर नहीं मिले हुए। तो मुख्यमंत्री जी ने जिसको दो दिन रखे हैं तो हम ये कोशिश है कि हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आए, जो हमारा इन्वेस्टर है उसको कहाँ दिक्कत आ रही है और उन हर्डल्स को गवर्नमेंट जो है वो क्लियर करने की कोशिश कर रही है, और ये इनके जो काम है वो तेजी से हो। क्योंकि पूर्व की भाजपा सरकार के समय में भी इन्वेस्टर मीट्स में इन्होंने 1,25,000 करोड़ रुपए के MOU साइन किए, जो कि जमीन पे नहीं आए हैं, उसमें से केवल 27,000 करोड़ रुपए के आए हैं। तो हमारी कोशिश है कि पुराने जो प्रोजेक्ट्स हैं, नए तो हमारी प्राथमिकता है ही है, मगर पुराने प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ लटके हैं उसको क्लियर करने के लिए जो दो दिन की कन्वेंशन कह सकते हैं आप, ये मीट कह सकते हैं, उसको मुख्यमंत्री जी ने क्या बुलाया। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय न्यू कृष्णा एम्पोरियम, कॉलेज रोड, कांगड़ा।